दरबार साहिब इंसीडेंट, एक कुड़ी दरबार साहिब दे विच आंदी है ते चेहरे दे उत्ते इंडियन फ्लैग बनाया हुंदा है ते दरबार साहिब दा जिहड़ा सेवादार है उहदे नाल उहदी कोई च थोड़ी जी बहस हुंदी है ते इह मामला सोशल मीडिया दे उत्ते बहुत ज्यादा वायरल हो जांदा है। हुण उस कुड़ी ने सारी सिख संगत कोलों माफ़ी मंग ली है, माफ़ी मंग ली और गोदी मीडिया की जिहड़ियां नाकाम कोशिशां सी उहनां दे उत्ते पानी फेरता। उह पहलों तो देखते हैं कि उन्हें माफ़ी किस अल्फाजां दे विच सिख भरावां को मंगी है, फिर करते हैं रिएक्शन गो। उनको तो मैंने पहले भी क्षमा मांगी, अभी भी क्षमा मांग रही हूँ, उनको मैंने बकवास नहीं बोला। ये बात सुन के मेरे को भी गुस्सा आया कि ये पंजाब है, इंडिया नहीं है। उनको क्या किस तरीके से बात कहनी थी उस टाइम पे, उनको कुछ और कहना होगा। मेरे को तो गुस्सा मेरे को भी आया, गलत मैंने भी शब्द यूज किया, बकवास बात को बोला, उनको नहीं बोला। बकवास बात बोल रहे हो आप तो बहुत। सिचुएशन अवॉइडेबल थी, अवॉइड हो सकती। हाँ जी हो सकती थी, इतना कोई इशू बनाने की जरूरत नहीं थी। चलो मानना आपको लगा कि गलत हुआ है, आप उसको सही एंगल से भी देख सकते थे, आपने हमेशा अपोजिट साइड देखी है उसको। तो हिंदू सिख मुस्लिम ईसाई सब भाई है और ये तो पूरा देश है, इंसान है एक, और क्या है, कुछ भी नहीं। मैं तो यही कहना चाहूंगा, वीडियो वायरल ही नहीं होनी चाहिए थी, जिसकी वजह से एक सिख समाज को भी मेरी वजह से, मेरी वीडियो की वजह से दिक्कत आई है और कमेटी के मेंबर को आई है, सेवादार को भी दिक्कत आई है और तरह तरह के उनके बारे में भी टिप्पणियां कर रहे हैं। चलो हमारे बारे में तो कर ही रहे हैं, उनके बारे में भी तो कर रहे हैं कुछ लोग, तो ये ठीक नहीं है। सेवादार का मतलब सेवा कर रहा था, वो कर तो निष्पक्ष भावना से रहा था, अपनी ड्यूटी निभा रहा था, थोड़ी बहुत ड्यूटी में चूक भी हो जाती है तो उसको ऐसा तो ना करो भी, उसको इतनी बड़ी सजा दे दो जुबानी या फेसबुक के जरिए या ट्विटर के जरिए कि वो रात को उसको नींद भी ना आए, ये ठीक नहीं है। हमारे में भी थोड़ी कहीं ना कहीं कमी थी, मेरी भी बोलबाणी ठीक नहीं थी, तभी गुरु साहब ने दर्शन नहीं दिए। जब मेरे अंदर से घमंड खत्म होएगा या हो चुका है या कोई कमी थी तो उसको मन से जाऊंगा, मैं दिल से जाऊंगा, क्यों नहीं गुरु साहब मेरे को बुलाएंगे। ऐसा भी नहीं है अभी हमारे साथ बहुत बुरा हुआ, ये तो एक वीडियो बन गई, वो दो वर्डिंग इंडिया और पंजाब की आएगी, चलो पंजाब भी तो इंडिया के अंदर ही है जी, उसने कोई खालिस्तान की बात तो नहीं की ना, कोई ऐसी घटिया बात भी नहीं किया है उन्होंने। मेरे में भी कमी थी, मेरी गुड़िया में भी कमी थी, और हम उसको ठीक भी करेंगे आने वाले भविष्य के टाइम में, और दोबारा हम गुरुद्वारा साहब में जाएंगे, वहाँ मत्था टेक के आएंगे, उनका आशीर्वाद लेके आएंगे और आगे भी हम उनसे कामना करेंगे भी इस देश में शांति बनी रहे। उसने कोई तुहानू उत्थे धमकाउण दी कोशिश कीती होवे, कोई डराउण दी कोशिश कीती होवे, अजिहा कुछ होया तुहाडे नाल? बिल्कुल भी नहीं, कोई भी ऐसा नहीं होया। उसके बाद कमेटी के मेंबर आए, बड़े प्यार से हमारे से बात की, मैं सोच भी नहीं सकता था कि वो इतने प्यार से आएंगे। तुहाडे शब्दां जानना चाहांगे कि पूरी उह घटना की। पहले हम वाघा बॉर्डर गए थे, वाघा बॉर्डर पे हमारे फेस पे फ्लैग लगा हुआ था, वाघा बॉर्डर के बाद हम दरबार साहिब जी गए थे, तो वहाँ पे ये पूरा मैटर हुआ। थोड़ा सा बस कम्युनिकेशन की वजह से या थोड़ा सा हमारे बोल चाल की वजह से बात बढ़ गई। रिकॉर्डिंग फैल गई, रिकॉर्डिंग तुसी कर रहे सी, नजर जो सीसीटीवी आ रहा है, मोबाइल थोड़े हाथ में फड़िया हुआ सी, रिकॉर्डिंग बाहर किवें जाती है, कोई लाइव सीगा या किसी नूं भेजा जांदा? मैंने व्हाट्सएप पे ग्रुप्स में सेंड कर दी थी उसी टाइम पे, जैसे कि मुझे थोड़ा वो तो हो गया था कि पहले क्या हुआ, हम गए गोल्डन टेंपल, बस उन्होंने ये कहा कि आप थोड़े से कपड़े नीचे करके कर सकते हो अपने, मैं कहा हाँ जी बिल्कुल, तो मैंने थोड़ा सा नीचे कर ली, जो लेगिंग डाल ली थी मैंने नीचे, वो नीचे करके मैं जाने लगी, बस वो फेस देखा था उन्होंने मेरा, तो उसके बाद पूरी वो बात शुरू होगी। फिर वो फर्स्ट टाइम था, सेकेंड टाइम आपने वीडियो में देखी। गोदी मीडिया ने ते अपनी पूरी कोशिश कर ली कि सिखां नूं जिन्ना हो सके बदनाम किया जाए, लेकिन उन्हां दी जिहड़ी कोशिश सी ओह बिल्कुल नाकाम हो गई। देखो जी, उस कुड़ी ने दरबार दे विच आ के चेहरे दे उत्ते फलैग बनाया सी ते उन्होंने कह लिया, उन्दी सेवादार दे नाल कोई थोड़ी जी बहस हो गई, सेवादार ने बस इन्ना कहा कि उन्होंने लगता जाके बीबी जी मूँह धो गया हो, इतने उन्होंने लगता किसी किस्म का मूँह के उत्ते स्टीकर ला के जाना जड़ा वो अलाउ नहीं है, जिस तरह कि उन्होंने अपने रूल्स के लिखा कि ना कोई नशे वाली चीज़ लैके जाना जायज़ है, तो उत्थे थोड़ी जी बहस हो गई। उस बेवकूफ कुड़ी ने उन्होंने लगता उसनू जी वीडियो से बना के एक छोटा जिहा क्लिप उन्होंने लगता सोशल मीडिया से सुटता, ना अगे की गल दसी गई ना पिछे की गल दसी गई, जस्ट एक ही गल जी दसी गई, तो सोशल मीडिया के उत्ते क्लिप जरा वायरल हो गया। ते इंडियन मीडिया यानी कि गोदी मीडिया ने उन्होंने अंगली का उस गल नू पिक कर लिया, फड़ लिया और उस तो बाद विच उन्होंने अंगली का उस गल नू इन्ना रगड़ा दिता, इन्ना रगड़ा दिता, उहदे हज़ारां लखां मतलब कढ़ते कि सिख ये चाहते हैं, सिख हो गया ये वो, यानी कि मैं कहना कि एंड करता यार। मैं यकीन मैं जिसले देख रहा सी ना ये चीज़ा तो मैं बहुत ज़्यादा हस रहा कि यार ये कर की रहे यार,
ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਂ ਵੀ ਬੇਵਕੂਫੀਆਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਕੋਈ ਬਾਤ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿ ਜ਼ਰਾ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਿਰ 'ਤੇ ਦੁਪੱਟਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵਲਗਰ ਕੱਪੜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਲਚਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਐਵੇਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਣ ਆਮ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਜਿਹੜੇ ਅਲਾਓ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਇੰਡਲੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਗਲੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਆਓ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਗਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਆਪਣਾ ਕੱਪੜੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਆਓ। ਅਤੇ ਕੁਝ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਕੁੜੀ ਕੋਲ ਤੰਬਾਕੂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਸ ਕੁੜੀ ਨੇ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗ ਲਈ ਹੈ ਸਿੱਖ ਭਰਾਵਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਪੂਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੁਬਾਰਾ ਆਵਾਂਗੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਾਂਗੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਾ ਇਹ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਮੀਡੀਆ ਇਸ ਸਿਨੈਰੀਓ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਇਹਦੀ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਕੁੜੀ ਨੇ ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪੋਗੰਡੇ ਸਭ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰਤਾ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਮਜ਼ੇਦਾਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਲੋਕਲ ਚੈਨਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਿਆ। ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗ ਲੈਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਕੁੜੀ ਨੇ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗ ਲਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗੀ। ਉਹਨੇ 2-3 ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਅਤੇ ਇਹ ਸੀ ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ। ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੱਸਣਾ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਮਿਲਦੇ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।